नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि केबल का ग्लाइंडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, ये जो केबल है 50 square mm का केबल है, तो सबसे पहले तो आपको ग्लैंड का साइज चूज करना है कि 50 square mm का केबल के लिए आपको कौन सा साइज का ग्लैंड लगाना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, यानी कितना साइज का केबल में कितना साइज का ग्लैंड लगेगा, चाहे पावर केबल हो चाहे कंट्रोल केबल हो, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, ये केबल है 3.5 core का केबल है, तो इसके लिए हमको ग्लैंड का साइज चाहिए होगा 32 mm का ग्लैंड चाहिए। तो 32 mm का ग्लैंड लाइए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको केबल का कहाँ पे ग्लैंड करना है, तो सबसे पहले केबल को पैनल के पास ले जाइए, वहाँ से मेजरमेंट कीजिए और उसी के हिसाब से केबल को कटना शुरू कीजिए। दोस्तों, तो यहाँ पे हमने केबल का एंड से 2 feet छोड़ के केबल को कटिंग किया। दोस्तों, केबल का आउटर लेयर को निकाल दीजिए, उसके बाद केबल का आर्मोर को खोलिए। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आर्मोर को कैसे खोला जाता है। आर्मोर को आपको ऐसे निकालना है दोस्तों, एक एक करके सारे आर्मोर को निकाल देना है। दोस्तों, यूट्यूब में ऐसा बहुत सारा केबल ग्लाइंडिंग का वीडियो है और उन पर भी लाखों लाखों व्यूज आए हैं। अगर उसी वीडियो को आप देखेंगे तो आप पूरा कन्फ्यूज हो जाएंगे। केबल ग्लाइंडिंग का प्रोसीजर उन्होंने इतना खराब बनाया है, इतना गलत बताया है, इसलिए दोस्तों मैं सोचा कि चलो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि केबल ग्लाइंडिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आउटर सील नॉट को घुसाया। दोस्तों, इसे बोलते हैं आउटर सील नॉट। तो इसके बारे में भी आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगा अगर उसी वीडियो को सारे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आउटर सील नॉट लगाने के बाद हम क्या करते हैं। आउटर सील नॉट लगाने के बाद अभी हम केबल ग्लैंड का बॉडी को देखिए दोस्तों, अंदर घुसाते हैं। ये देखिए दोस्तों, केबल ग्लैंड का बॉडी, केबल ग्लैंड का बॉडी को हमने आउटर सील नॉट के साथ लगा दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है दोस्तों, ये है रिंग, क्लैंपिंग रिंग बोला जाता है इसको। क्लैंपिंग रिंग घुसाने के बाद अभी हम आर्मोर कोन को लगाएंगे दोस्तों। तो अभी क्लैंपिंग रिंग उसका पोजिशन पर आ गया दोस्तों। उसके बाद हमको लगाना है आर्मोर कोन। ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं आर्मोर कोन। तो केबल ग्लाइंडिंग में ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें दोस्तों, ये रिंग और ये आर्मोर कोन। तो इन दोनों को कैसे लगाया जाता है, इसको थोड़ा मेजरमेंट कर दीजिए दोस्तों, 1 inch का मेजरमेंट कर दीजिए और उसके बाद उसको कटिंग करना शुरू करिए दोस्तों। ये जो दो चीज़ है दोस्तों, ये केबल को लॉक करके रखेगा, यानी केबल को बांध के रखेगा दोस्तों। आप जितना भी कोशिश कर ले, एक बार ग्लाइंडिंग हो गया, अगर परफेक्ट ग्लाइंडिंग हुआ होगा तो आप जितना कोशिश करेंगे उस केबल को ग्लैंड से निकाल नहीं सकते दोस्तों। इसीलिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ये रिंग एंड आर्मोर कोन, इन दोनों को आपको सही सेट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 inch का हमने मेजरमेंट कर दिया। अभी फिर से आपका केबल का आउटर लेयर को निकालना है, आर्मोर को कटिंग नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, हल्के से आपको ऐसे चाकू का इस्तेमाल करके कटिंग करना है। ये देखिए दोस्तों, आर्मोर सही है, कुछ भी कटिंग नहीं है आर्मोर का। अभी ये आर्मोर के साथ ये क्लैंपिंग रिंग एंड आर्मोर कोन को लगाना है दोस्तों। आपको इसी आर्मोर के ऊपर ही ग्लैंड करना है। मैंने कुछ वीडियो में देखा था, उन्होंने क्या किया था, आर्मोर के ऊपर एक PVC टेप लगा दिया था और उसके ऊपर उन्होंने ग्लैंड को लॉक कर दिया था दोस्तों। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों। आर्मोर का काम क्या है, आर्मोर यहाँ पे 2 काम करता है दोस्तों। पहला काम होता है अर्थिंग का काम करता है। आर्मोर तो केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और साथ साथ आर्मोर अर्थिंग का भी काम करता है। तो आपको आर्मोर को कटिंग नहीं करना है, आर्मोर के ऊपर PVC टेप नहीं लगाना है। तो हमने यहाँ पे ये PVC टेप का इस्तेमाल क्यों किया दोस्तों। PVC टेप का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि ये जो आर्मोर कोन है, आर्मोर कोन को आर्मोर के ऊपर घुसा सके दोस्तों। घुसाने के लिए हमने बस इसको बांध दिया, एक टाई अप कर दिया दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, ये कोन अंदर घुस गया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखिए, PVC टेप बांधने के बाद भी 2 armor निकल आए दोस्तों। ये कोन को घुसाने के लिए बस हम इसे PVC टेप में बांध दिए थे, लेकिन अभी देखिए दोस्तों, PVC टेप निकाल दिए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो आर्मोर है, आर्मोर को आप इसी तरह से बेंड कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा बेंड कर दीजिए और फिर आर्मोर को कटिंग कर दीजिए दोस्तों। जितना बाहर आ रहा है बस उसको आपको कटिंग करना है। ये देखिए, सारे आर्मोर को आपको ऐसे बाहर की तरफ मोड़ देना है, उसके बाद आपको कटिंग करना है दोस्तों। प्लायर से आप इसे आसानी से कटिंग कर सकते हैं।
जो पोर्शन बाहर आया है उसे आपको कटिंग करना है दोस्तों, नहीं तो अंदर की तरफ उसको बेंड कर देना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक एक करके सारे को आपको कटिंग कर लेना है, थोड़ा बेंड करके बस आपको कटिंग करना है, क्योंकि उतना ज़्यादा बेंड आपको नहीं चाहिए होगा। अगर ज़्यादा बेंड कर देंगे तो फिर ये रिंग उसके अंदर नहीं घुसेगा दोस्तों, इसीलिए इसको आपको कटिंग कर देना है अच्छी तरह से, चारों तरफ से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आप रिंग को लगाइए दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, ये केबल पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। अभी आपको आउटर सेल को इसके ऊपर लगाना है। आउटर सेल पूरी तरह से कोन के ऊपर आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा इसको एडजस्ट करके अंदर लाना है दोस्तों। अभी आपको इनर सील को लगा देना है, ग्लैंड का इनर सील को देखिए कैसे आउटर सील के साथ हम लोग लगाते हैं। हमने कोन को अच्छी तरह से लगाया है, इसीलिए आउटर सील एंड इनर सील आराम से लग रहा है दोस्तों। अगर कोन का पोजीशन सही नहीं होगा, कोन में मान लीजिए आर्मोर बाहर निकल आए होंगे, तो आउटर सील के साथ आप इनर सील को लगा नहीं सकते। उसके बाद आपको टाइट करना है दोस्तों। टाइट करने के लिए आपको दो स्लाई रेंची चाहिए, नहीं तो एक स्लाई रेंची या एक मंकी प्लायर के जरिए आप टाइट कर सकते हैं। ज़्यादातर मंकी प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है छोटा छोटा ग्लैंड में। अगर ग्लैंड का साइज बड़ा है तो आपको बड़ा वाला स्लाई रेंची चाहिए होगा दोस्तों। इसी तरह से पहले आउटर सील को लॉक कर दीजिए, उसके बाद आपको इनर सील को भी टाइट करना है। ये देखिए दोस्तों, आउटर सील पूरी तरह से टाइट हो चुका है। अभी इनर सील को भी आपको उसी तरीके से घुमाना है, एक को आपको बस पकड़ना है, दूसरा को घुमाना है। अभी देखिए दोस्तों, आपको उसका जो थ्रेड रहता है, तीनों थ्रेड, आउटर सील, इनर सील एंड ये ग्लैंड का सील, ये तीनों सील को आपको एक ही पोजीशन पर रखना है। अभी ये ग्लैंडिंग हो गया दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, केबल का जो इनर लेयर है, इनर लेयर को आपको कटिंग करना है। इनर लेयर को कहाँ से कटिंग करना है दोस्तों, ग्लैंड से डेढ़ इंच छोड़ के, डेढ़ या दो इंच छोड़ के आप वहाँ से कटिंग करना शुरू कीजिए, और इसी तरह से हल्के हल्के से उसको कटिंग कीजिए। देखिए उसके अंदर ये जो आर वाई बी फेज है दोस्तों, केबल का लेयर को इसी तरह कटिंग करना चाहिए चाकू से। ये देखिए दोस्तों, स्पेशल डिजाइन का एक चाकू रहता है केबल कटिंग करने के लिए, इसी टाइप का चाकू आपको इस्तेमाल करना चाहिए और केयरफुली आपको कटिंग करना चाहिए। अभी ये दोस्तों पूरी तरह से कटिंग हो गया। अभी हम इसको ग्लैंड प्लेट पे कैसे लगाते हैं देखिए। तो केबल का ग्लैंड है 32 इंच का ग्लैंड है, तो आपको ये जो होल करना है 32 इंच का होल करना है आपको। तो उसका भी मैंने साइज बताया था, कौन सा केबल का कितना साइज का ग्लैंड लगेगा और उसके हिसाब से आपको कितना साइज का होल करना पड़ेगा, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों। उसी वीडियो को देखेंगे तो आपको इसके ऊपर आइडिया हो जाएगा दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, उसको केबल को हम अंदर घुसा दिए, अभी उसका चेक नोट को लगाने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, केबल को आपको इसी तरह से स्ट्रेट पकड़ना है और चेक नोट को टाइट कर देना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, केबल ग्लैंडिंग के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। नमस्कार।